गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस एडिटोरियल स्पेशल सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल्स पे, ग्रामर स्किल्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द हिंदू वोकैब्स, इमेज बेस्ड वोकैब्स, ये सारे के सारे सेक्शंस डिस्कस होंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, पूजा, रिंकू, रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग, सुरभि, अमृता, प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल प्रियांशी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आज के थॉट ऑफ द डे के साथ, और आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है स्क्रीन पे, बी अ गुड पर्सन बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव इट। हमें एक अच्छा इंसान तो होना चाहिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो दूसरों को प्रूव करने में कि आप अच्छे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, आज की डेट में सब एक दूसरे को प्रूव करना चाहते हैं। किसी को अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, किसी को अपनी वाइफ को प्रूव करना है, किसी को अपने हस्बैंड को प्रूव करना है, किसी को अपने रिलेटिव्स को, और किसी को अपने फ्रेंड्स को प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि आपको अच्छा इंसान होना चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप अच्छे इंसान हो, तो फिर दूर हट जाओ वहाँ से, वही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये दूसरों को दिखाने की चीज़ नहीं है कि एक बंदा आईएएस ऑफिसर बन गया तो दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं, वो उसकी खुद की च्वाइस है, उस डिसीजन ने उसकी लाइफ को चेंज किया, सीधी सी बात है। तो आपको दूसरों को प्रूव करने की बजाय खुद पे एफर्ट डालना है, और ये समझना है कि जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, ये मेरे लिए प्रोडक्टिव होने वाला है डायरेक्टली, ओके। चल, सो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम ग्रामर स्किल्स पे बात करेंगे, आफ्टर दैट आर्टिकल एनालिसिस, आज का प्यारा सा आर्टिकल हम और आप मिलकर डिस्कशन करेंगे, आफ्टर दैट द हिंदू वोकैब, द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकैब्स पे बात होगी, आफ्टर दैट चेक योर प्रोग्रेस, कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड लर्निंग वोकैब विद इमेजेस, कुछ प्यारी सी इमेज बेस्ड वोकैब्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या करने वाले हैं, समझ आ गया ना। चल, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के साथ। सो आर यू रेडी गाइज टू लर्न सम न्यू एंड स्पेशल ग्रामर ट्रिक्स, यस आर नो। बिल्कुल रजत, मंजीत, गायत्री, खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल आदर्श, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करें आज के सेशन की, सभी रेडी, शुरू करें। चल, सो सबसे पहला पॉइंट बहुत ही प्यारा पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखना। जो पॉइंट अभी आप डिस्कस करने जा रहे हो, ये पहला पॉइंट, यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, स्टार मार्क कर लो, दिमाग में रखना इसको अच्छे से, ठीक है। द कंजंक्शंस डाउट एंड डाउटफुल इज फॉलोड बाय दैट इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वेयर एज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस देयर आर दीज आर फॉलोड बाय इफ और वेदर। नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, डाउट या डाउटफुल मतलब संदेह को डिनोट करेगा, किसी के अंदर डाउट है मतलब संदेह है किसी चीज को लेके, सस्पिशियस है बंदा किसी चीज को लेके, सस्पिशन है, समझ गए ना। तो डाउट और डाउटफुल कहीं ना कहीं संदेह को रिलेट करता है। कहने का मतलब बस इतना है कि अगर डाउट या डाउटफुल का यूज हुआ है, और अगर स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, तो डाउट या डाउटफुल फॉलो करेगा किससे, दैट से फॉलो करेगा। मींस अगर मैंने डाउट की बात की या डाउटफुल की बात की, अब एक चीज समझना, डाउट या डाउटफुल की जब भी मैंने बात की, तो आगे ये दैट से फॉलो करेगा, कब फॉलो करेगा, जब जिस स्ट्रक्चर में ये यूज होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या इंटरोगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो डाउट या डाउटफुल के बाद क्या आएगा, दैट आएगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ या वेदर का यूज कब कर सकते हैं हम, इसके बाद अगर इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ या
वेदर का यूज करेंगे, आपने सुना होगा ना, मतलब पढ़ा भी होगा ये, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्लॉज को इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, याद है ना सबको, या सुनो। तो अब इफ या वेदर से जोड़ने के लिए हमें क्या करेंगे, इफ या वेदर से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जब स्टेटमेंट कैसा होगा इससे रिलेटेड, जब स्टेटमेंट कैसा होगा पॉजिटिव होगा, मतलब जब स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, उस केस में डाउट या डाउटफुल के बाद जो आगे का क्लॉज जुड़ेगा वो इफ या वेदर से जुड़ेगा, ना कि दैट से। इस चीज को हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं, क्या ख्याल है, या सुनो, अगर हमारे सामने एग्जाम्पल हो तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं। चलो, थ्री स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, मैंने यहां पे चॉइस दी है आपको, इफ या दैट आएगा, दैट या इफ आएगा, वेदर या इफ आएगा, वेदर और इफ तो दोनों ही हो सकता है, वेदर या यहां पे इफ की जगह पे मैं दैट लगा देता हूं, ठीक है, दैट आएगा, क्या होना चाहिए, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, योर टर्म स्टार्ट्स नाउ, करेक्ट करिए, नंबर डाल के, एबीसी डाल के बता दीजिए, किसमें इफ आएगा, किसमें दैट आएगा, किसमें वेदर आएगा, जल्दी से स्पीड में। हाँ हाँ, रीजन के बाद वाई का यूज होता है, बिल्कुल, ये भी डिस्कस हो चुका है, बिल्कुल संदीप, देखो क्या बीमारी है, ओके। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, क्या ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, नहीं है, ये कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई डोंट डाउट, डोंट लगा है, मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, शी इज डाउटफुल वेदर और दैट शी विल अटेंड द पार्टी, अब ये भी क्या है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, भाई इंट्रोगेटिव के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब को पहले होना चाहिए ना, सिंपल सा बात है, तब इंट्रोगेटिव होगा, तो पहला अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किससे जोड़ सकते हैं, इफ से जोड़ सकते हैं, दूसरा नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट को हम किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, तीसरा फिर अफर्मेटिव है, शी इज डाउटफुल, अब वेदर से जोड़ेंगे या दैट से जोड़ेंगे, वेदर से जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, वेदर से जोड़ेंगे, शी इज डाउटफुल वेदर शी विल अटेंड द पार्टी, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर, क्या सभी को क्लियर हो गया, जो बात मैं बोल रहा हूं वो सब तक पहुंच गए, या सुनो, तो अगर डाउट या डाउटफुल का यूज स्टेटमेंट में होगा, एक लाइन में सुन लो बस अच्छे से इस बात को, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, अगर डाउट या डाउटफुल का यूज सेंटेंस में होगा और आगे का क्लॉज जोड़ना है स्ट्रक्चर में, तो स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो आगे का जो क्लॉज जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, इफ से दैट से, बताओ चैट बॉक्स में, इफ से दैट से, दैट से जुड़ेगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो क्लॉज किससे जुड़ेगा, दैट से जुड़ेगा, लेकिन अगर क्लॉज अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नो नॉट नेवर नहीं आया, या फिर इंट्रोगेटिव नहीं है जो स्ट्रक्चर, अगर अफर्मेटिव है क्लॉज तो हम आगे की क्लॉज को इफ या वेदर से जोड़ सकते हैं, ऐसे ही कुछ बात हुआ ना अभी, वेरी गुड, चलिए, सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, तो सबको आई थिंक क्लियर हो गई ये बात, चल आगे बढ़ते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जेरंड शुड बी पुट इन पजेसिव केस, ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो गवर्न करता है, मतलब जो पहले यूज होता है किसके, पजेसिव केस के, जो पजेसिव केस हमेशा यूज होगा किसके पहले, जेरंड के पहले। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात समझना, ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है, जेरंड के बारे में जानते हो ना सभी, जान पहचान है जेरंड से, क्या होता है जेरंड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जेरंड को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरंड,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरंड? जेरंड मतलब क्या होता है? क्रिया सूचक संज्ञा. क्रिया सूचक संज्ञा मीन्स अ नाउन दैट फंक्शंस, अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन. अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरंड. एक ऐसा वर्ब जो नाउन की तरह फंक्शन करता है, दैट इज जेरंड. अब जेरंड क्या होता है? वी वन प्लस आई एन जी. जब वी वन प्लस आई एन जी नाउन की तरह फंक्शन करेगा, जब वी वन प्लस आई एन जी नाउन की तरह फंक्शन करेगा, ध्यान देना इस चीज पे, जब वी वन प्लस आई एन जी नाउन की तरह फंक्शन करेगा, तो वहां पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज की बनेगी? ध्यान देना इस चीज पे, बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज की बनेगी? अगर ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि इसके पहले जो भी इसे क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. भाई अगर आईएनजी फॉर्म एक जेरंड फॉर्म है, और अगर इसको क्वालिफाई करना, नाउन को क्या क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है. तो एक चीज बताओ, अगर मैं आई का यूज करूं या मी का यूज करूं, तो क्या यह आईएनजी फॉर्म को क्वालिफाई कर सकता है? आई नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का, और मी ऑब्जेक्टिव केस है. क्या कोई प्रोनाउन जस्ट नाउन के पहले आ सकता है? जैसे मैंने बोला नितिन, क्या सोच रहे होंगे इसमें? सर देखिए अपना ही नाम लिख रहे हैं यहां पर. हाँ कोई नहीं, सबका लिख लूंगा, चिंता मत करो. तो ये छोटू सा नाम है इसलिए मैंने इसको लिख लिया. जैसे और भी छोटू नाम है, जैसे रजत हो गया, सुनील हो गया, अच्छे अच्छे नेम्स हैं, रिंकू हो गया, सारे अच्छे हैं फिलहाल. तो अब नितिन लिखा है, नितिन के पहले क्या ही आ सकता है? ही नितिन. ही मैन तो है नहीं. शी नितिन, हिम नितिन, कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता. तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, तो एक नाउन अगर है, नाम मतलब नाउन, किसी का भी नाम अपने आप में नाउन है. वैसे जेरंड भी आईएनजी फॉर्म है जो नाउन की तरह फंक्शन कर रही है. नाउन का यूज जब भी होगा, तो इसके पहले क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा. मतलब आईएनजी फॉर्म के पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा. मींस ध्यान देना, आईएनजी फॉर्म के पहले आपको कैसे पजेसिव एडजेक्टिव मिलेंगे? माय, योर, हिज, हर, देयर, आर. ये सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, मतलब अधिकार को दिखाने वाले एडजेक्टिव्स हैं. इन्हीं का यूज करेंगे हम आईएनजी फॉर्म्स के पहले या जेरंड के पहले. ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स हैं. देखिए फटाफट क्या बीमारी है, और करेक्ट करके लिखिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है. बिल्कुल रवि, वेरी गुड. ओके निशा, वेरी गुड. सो अब यहां से अगर हम देखें, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट. मी बीइंग लेट होगा, माय बीइंग लेट होगा, बताओ जरा. मी बीइंग लेट, माय बीइंग लेट, माय बीइंग लेट का यूज करेंगे. ठीक है, तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा. अगला, माय फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग देयर अलोन. देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन गोइंग के पहले मी आएगा, माई आएगा? गोइंग के पहले मी आएगा, माई आएगा? माई का यूज करेंगे. सो स्टेटमेंट जाएगा, माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग देयर अलोन. माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग देयर अलोन. ध्यान देना इस चीज पे एग्जाम में. हो सकता है स्टेटमेंट का मीनिंग ना समझ आए, हो सकता है जो सेंटेंस आप पढ़ें वो सिर के ऊपर से बाउंस हो जाए. उस केस में भी आप 100% करेक्ट करोगे. जैसे ही आपने आईएनजी फॉर्म देखा, जैसे ही आपने वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म देखा, अब इसके पहले मी आ गया, हिम आ गया, देम आ गया, अस आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो गलत हो गया. उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माय, योर, हिज, हर, देयर आएगा. मतलब आप देखते ही देखते पकड़ लेंगे. भले ही आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आया, फिर भी जो आप पिक करेंगे वो गलत नहीं होगा. क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? डन, मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई? एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया?
डाउट और डाउटफुल का डिस्कशन किया। डाउट और डाउटफुल के बारे में जरा बताओ, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव होगा तो डाउट या डाउटफुल के केस में आगे का क्लॉज किससे जुड़ेगा? इफ से, दैट से, बता दो जल्दी से बता दो। अगर डाउट या डाउटफुल के केस में अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आगे का क्लॉज किससे जुड़ेगा? इफ से, दैट से, दैट से। और अगर आगे का क्लॉज अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में डाउट या डाउटफुल का यूज हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज हुआ है, तो आगे का क्लॉज किससे जुड़ेगा? इफ या वेदर से, ऐसा कुछ बताया मैंने। अगला पॉइंट क्या बताया कि जब भी जीरेंड का यूज करेंगे, वी वन प्लस आई एन जी का यूज करेंगे, तो उसके पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, माय योर हिज हर देयर आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आज के आर्टिकल पे। सो सभी रेडी हैं आर्टिकल के लिए? शुरू करें, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर करते रहो। आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस बनेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज टेस्ट के, रीअरेंजमेंट के। और एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर रीडिंग को लेके कॉन्फिडेंस आता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर मैं आपको रियल बताऊं तो परेशान क्या करता है, जब एक बड़ा सा पैसेज आ जाता है, जब एक बड़ा सा पैसेज आ जाता है और हम सोचते हैं इसको कौन पढ़ेगा यार, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे आके इसको। ऐसा हुआ है कभी? और फिर बाद में आप कभी पहुंचते ही नहीं है उस पैसेज पे, ऐसा होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब आपकी एक हैबिट पड़ी होती है रीडिंग की, तो आपको पूरा रीड ही नहीं करना पड़ता। मैं सच बता रहा हूं आपको, पूरा रीड नहीं करना पड़ता आपको, आप सिर्फ देख लेते हैं एक बार क्या है, आप कर्सरी ग्लैंस से एक बार देखते हैं, मतलब सरसरी निगाह से एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर को, आपके दिमाग में आइडियाज बन जाते हैं किस बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, और फिर आप आराम से क्वेश्चन से रिलेट कर देते हैं पूरे पैसेज को। जो लोग दो मिनट में, तीन मिनट में पैसेज को कर रहे होते हैं, उनके अंदर रीडिंग की हैबिट बनी हुई है, वो रीडिंग कर रहे हैं शुरुआत से। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम रीडिंग से बचते हैं। जब तक बचोगे तब तक डरोगे, जीतने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। चल, जैसे हम आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे तुरंत हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जैसे हमारा आर्टिकल डिस्कशन हो जाएगा वैसे ही चलेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और आज के क्वेश्चन काफ़ी धमाकेदार हैं, क्योंकि आज आपको रीअरेंजमेंट भी मिलेगा और बाकी के सेक्शन भी मिलेंगे, उसके साथ क्या क्या मिलेगा अभी पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। चाइनीज टेक फर्म्स अंडर वाइडर स्क्रूटनी इन इंडिया। चाइना की जो टेक फर्म्स हैं, टेक कंपनीज हैं, वो इंडिया के अंदर एक व्यापक जांच की स्थिति में हैं इस टाइम पे, प्रेजेंट में। व्हाई हैव द ऑफिसेज ऑफ चाइनीज कंपनीज वीवो, सियोमी एंड ओप्पो बीन सर्च्ड? आखिर इनको क्यों सर्च किया गया ऑफिसेज को, जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं? विल दीज कंपनीज एग्जिट द इंडियन मार्केट? क्या ये कंपनीज इंडियन मार्केट को छोड़ देंगी? देखो, सबसे पहली चीज ये समझते हैं हम, हुआई एक काफी बड़ी टेक फर्म है चाइना की, ठीक है, जिसकी इंडिया के अंदर कई एंटिटीज हैं, इकाइयां हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी आपके देश में आती है तो उसका मेन एम क्या होता है? उसका मेन एम ये होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के अपनी कंट्री में भेजना, यही एम है ना मेन, सीधी सी बात है। कोई भी अगर विदेशी कंपनी आपकी कंट्री में आती है, या आप किसी विदेशी कंपनी में जाते हैं या दूसरी कंट्री में जाते हैं अपनी ब्रांच ओपन करने, तो आप प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं। आज की डेट में हम जितने भी चाइनीज फोन यूज करते हैं, आप ओप्पो यूज करते हैं, वीवो यूज करते हैं, योमी यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं, जो भी, तो ये अल्टीमेटली पैसा तो चाइना में ही जा रहा है। जो भी हम फोन यूज कर रहे हैं उसका मतलब हम फंडिंग चाइना को कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन बात तो यही है। अब प्रॉब्लम भी क्या है, प्रॉब्लम भी है इसके पीछे। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी बेस पे अगर इस तरह की, जैसे वीवो या ओप्पो में जिस तरह की आपको कैमरे के फीचर्स और बाकी सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं 10,000 रुपीज़ में, 12,000 रुपीज़ में, वो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही।
या फिर उतने फीचर नहीं मिल पा रहे, या फिर वो महंगे पड़ रहे हैं फोन्स, ठीक है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, ठीक है। अब सैमसंग किस कंट्री की कंपनी है जरा चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, ठीक है। हाँ, एक एक क्वेश्चन और है, ये नासा ने किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है चांद के ऊपर सैटेलाइट वगैरह के काम के लिए, किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है नासा ने, किस मोबाइल कंपनी को नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है जरा बताओ चैट बॉक्स में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सो अब यहां से अगर हम देखें, बताऊंगा तब तक आप बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। अब एक्टिव रहो, मतलब जो आसपास हो रहा है, जो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब अगर हम देखें तो प्रॉब्लम इंडियंस की भी नहीं है, लेकिन अब जो जांच के दायरे में ये कंपनियां आ रही हैं, कर चोरी वगैरह कर रही हैं, टैक्स चोरी वगैरह कर रही हैं, उसके दायरे में आ रही हैं, ठीक है। बिल्कुल, साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग, ठीक है। तो नासा ने किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो जो मून पे सैटेलाइट्स के लिए हैं, सुन के चौंकेंगे थोड़ा सा, किसको दिया है, नोकिया। हाँ चलो, नोकिया के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब देखो, ध्यान से समझो, पैसेज को ध्यान से समझते हैं, देखते हैं और चीजों को समझते हैं। अब हैविंग एक्सपीरियंस्ड इनकम टैक्स सर्चेस, एक्सक्लूजन फ्रॉम टेलीकॉम 5G टेलीकॉम ट्रायल्स एंड इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिसर्च कोलैबोरेशंस, द हिंदू लर्नड फ्रॉम सोर्स दैट चाइनीज टेलीकॉम मेजर हुआई मे डाउनसाइज इट रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D फैसिलिटीज इन इंडिया, इंडिकेटिव ऑफ एन एंड गेम ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशंस। देखो, जो चाइना का टेक फॉर्म है हुआई, इसकी बात हो रही है, ये लगातार एक्सपीरियंस कर रहा है इनकम टैक्स सर्चेस को, इनकम टैक्स सर्चेस हो रही हैं, रेड पड़ रही है ED की यहां पे, एक्सक्लूजन फ्रॉम 5G टेलीकॉम ट्रायल्स, इन्होंने अपने आप को एक्सक्लूज रखा, मतलब अलग रखा, पृथक रखा, किससे, 5G के जो ट्रायल्स हुए, परीक्षण हुए, उससे अपने आप को अलग रखा, एंड इंक्रीजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिसर्च कोलैबोरेशंस, और इन्होंने जो रिसर्च कोलैबोरेशंस किए अलग अलग कंपनीज के साथ, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, प्रतिबंध लग रहे हैं, ठीक है। द हिंदू लर्नड फ्रॉम सोर्सेज, द हिंदू को सोर्सेज से पता चला ऐसा, दैट चाइनीज टेलीकॉम मेजर हुआई में डाउनसाइज इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज इन इंडिया। इससे ये पता चला कि हुआई जो है डाउनसाइज करने वाला है, डाउनसाइज मतलब किसी चीज को कम करना, अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज को इंडिया के अंदर धीरे धीरे कम करने की ओर जा रहा है हुआई। इंडिकेटिव ऑफ एन एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये क्या है, इस चीज का इशारा है, इंडिकेटिव है, ऑफ एन एंड गेम फॉर इट्स इंडियन ऑपरेशंस, जो इंडियन ऑपरेशंस हैं उसके लिए ये एंड गेम का एक इशारा हो सकता है, मतलब इस तरह से चाइनीज कंपनी हो सकता है धीरे धीरे पूरी तरह से अपने सारा जो भी कंपनीज वगैरह हैं यहाँ से, इंडिया से हटा दें कंपनीज को, इसके चांसेस हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। एंड गेम मतलब समाप्ति को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अदर देन हुआई सेक्टर पियर्स, पियर्स मीन्स सहयोगी हो गया, ZTE, Vivo, Xiaomi एंड Oppo टू हैव देयर offices searched इन द पास्ट फ्यू months। इसके जो सहयोगी हैं जैसे कि ZTE हो गया, Vivo हो गया, Xiaomi हो गया, Oppo हो गया, इन्होंने भी अपने ऑफिस को सर्च किया, मतलब अपना जो सारा सामान है सर्च किया कि मतलब क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या छोड़ना है यहाँ पे। अब इस तरह की स्थितियां बन रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये अपनी यूनिट्स को, अपनी एंटिटीज को यहां से शिफ्ट करने के मूड में, ठीक है। दिस इज बिलीव्ड टू बी द पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स एम्ड एट चेकिंग चाइनीज कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इन कंट्री। ये सारा इसलिए माना जा रहा है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा जो एक सीरीज चल रही है अपने आप में, कई जो मेजर्स हैं
एम्ड एट चेकिंग चाइनीज कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इन द कंट्री। जो चाइनीज कॉर्पोरेट का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, जो कंट्री में बढ़ता जा रहा है, उसको चेक करने, मतलब कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेजर्स लाए गए। ठीक है, देखो चाइना, अगर चाइनीज कंपनी आगे बढ़ती है तो उसका इफेक्ट तो इंडिया पे पड़ेगा ही पड़ेगा ना। एक नॉर्मल सी बात है, चाइनीज चाइना में इंडिया का पैसा जाएगा, मींस वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग आर एनिमी। आर यू गेटिंग दैट? समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एलिगेशंस अगेंस्ट वेरियस कंपनीज, मतलब अलग अलग कंपनीज जो हैं इनके खिलाफ क्या एलिगेशंस हैं, क्या आरोप हैं? इन इंडिया वीवो, शियोमी एंड ओप्पो हैज बीन ब्रॉडली एक्यूज्ड ऑफ टैक्स इवेशन, कर चोरी की बात हो रही है, डिस्चार्जिंग इलीगल रेमिटेंसेस, फॉर्ज आइडेंटिफिकेशन एंड इनकरेक्ट डिस्क्लोजर्स। इंडिया के अंदर जो वीवो है, शियोमी है, ओप्पो है, ये व्यापक रूप से इनको एक्यूज किया गया है, आरोपित किया गया। किस चीज के लिए? टैक्स इवेशन, पहली चीज तो कर चोरी के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरा, डिस्चार्जिंग इलीगल रेमिटेंसेस। इलीगल रेमिटेंसेस मतलब होता है भेजी गई रकम या प्रेषित की गई रकम। ठीक है, तो इन्होंने अपना इलीगल रेमिटेंसेस को दिखाया है। जैसे किसी चीज की कॉस्ट है 200 रुपए और कॉस्ट दिखा दी उसकी 500 रुपीज, तो 300 का प्रॉफिट हो गया। या जो भेजी गई रकम उसमें हेर फेर किया गया कि मतलब प्रॉफिट को कम दिखाया गया और रेमिटेंस को ये जो कॉस्ट है उस चीज की उसको ज्यादा दिखाया गया, जिससे कि टैक्स कम पड़े। तो ये अवैध काम भी इस कंपनी के द्वारा किया गया। फॉर्ज आइडेंटिफिकेशन, नकली पहचान दर्शाई गई, एम्प्लॉयज कम है, क्या किया? देखो नकली पहचान का मतलब क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज कम है कंपनी में, ज्यादा दिखा दिया। अगर ज्यादा एम्प्लॉयज को दिखाएंगे तो भाई कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना, नॉर्मल सी बात है। इनकरेक्ट डिस्क्लोजर्स, जो डिस्क्लोजर्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा है, कम दिखाया गया। ठीक है, इन अप्रैल दिस ईयर द इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट ईडी, मतलब प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मीन्स क्या होता है? प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, सीज्ड 5,551.27 करोड़ फ्रॉम शियोमी इंडिया यूनिट। अब देखो भाई, ईडी ने कितना कैश पकड़ा, कितना पैसा पकड़ा यहाँ पे, 5,551.27 करोड़ जो शियोमी की इंडिया की यूनिट है वहां से पकड़ा गया है पैसा। एलिड दैट कंपनी हैड रेमिटेड फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू मेंशनड अमाउंट टू 3 foreign-based entities इंक्लूडिंग 1 Xiaomi Group entity अंडर द guise ऑफ रॉयल्टी। अच्छा, अंडर द guise मीन्स होता है किसी चीज की आड़ में, जैसे कहते हैं ना, वो तुम्हें समझाने की आड़ में तुम्हारी बुराई कर रहा था। अंडर द गेस मतलब किसी चीज की आड़ में। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि यहां पे अगर हम देखें, ऐसा आरोप लगाया गया, ऐसा आरोपित किया गया कि कंपनी ने जो भी अमाउंट है, इतने ही अमाउंट को फॉरेन करेंसी के बराबर प्रेषित किया। रेमिटेड मतलब प्रेषित करना, भेजने के सेंस में यूज किएगा। मेंशनड अमाउंट टू 3 foreign-based entities, जो फॉरेन की एंटिटीज हैं, इकाइयां हैं, वहां पे इन्होंने इतना ही अमाउंट भेजा। टिक के चीजों को देखो, क्वेश्चंस पे बात करेंगे अभी। अंडर द गेज ऑफ रॉयल्टी मतलब कि जो, जैसे कहते हैं ना, स्वामित्व अधिकार या स्वामी लाभ के नाम पे जो प्रॉफिट है उसके नाम पे इन्होंने 3 companies में इतना ही पैसा अलग अलग भेजा है। द कंपनी वॉज एलीड टू हैव नॉट अवेल्ड एनी सर्विस फ्रॉम ईदर ऑफ द एंटिटीज दैट द रेमिटेंसेज अल्टीमेटली बेनिफिटेड इट्स ग्रुप एंटिटी। देखो ध्यान से समझना, ये बिल्कुल वैसा है, आपने 3 जगह पे पैसा भेजा अपने दोस्तों के अकाउंट में। ध्यान से समझना, जैसे आपके फ्रेंड हैं,
एक चिंटू है, एक मिंटू है, एक सिंटू है, ठीक है, और ये आप हैं। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, आपने क्या किया, और ये टैक्स लेने वाला बंदा है बी, ठीक है, आपने क्या किया, इन तीनों के पास पैसा भेजा और इनको बताया कि भाई देखो हम अपना मटेरियल खरीदते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये पैसा गया है, यहाँ पे ये पैसा गया, तो इस पर तो टैक्स होना नहीं चाहिए, तो कॉस्ट में ही आ जा रहा है, टैक्स तो प्रॉफिट पे लोगे ना, कॉस्ट पे थोड़ो ना ले लोगे, और ये इन सब के पास भेज दिया पैसा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पहले पैसा भेज दिया, उसके बाद तीनों फ्रेंड से कहा भाई भेज दो वापस पैसा, तो ये चिंटू मिंटू सिंटू सभी ने इनके पास भेज दिया पैसा दोबारा। वैसे फ्रेंड ऐसा करते हैं नहीं करते हैं वो आप बताना बाद में। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय का ऐसा मानना है कि जब आपने कोई सर्विस ही नहीं ली उन कंपनी से, तो अल्टीमेटली वो तो आपका ही प्रॉफिट है, हो सकता है वो आपकी ही कंपनियां हो वहां पे जहां पे आपने पैसा भेजा है, ये दिखा के कि आपका कॉस्ट जा रहा है, समझ रहे हो बड़े लेवल पे कैसे गेम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे अगर हम देखें, दिस वॉज सीन टू बी इन वॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और ये सीधे सीधे वॉलेशन है किस चीज का, जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के, जो भी प्रोविजंस हैं उनका ये सीधे सीधे क्या है, वॉलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, Xiaomi denied the allegations. Xiaomi ने क्या किया, allegations जो उस पर लगाए गए उनको denied किया, भाई सभी करते हैं, ठीक है, and said that the payments were made for unlicensed technologies and UPIs, IPs used in their Indian products under the purview of legitimate commercial arrangement. उन्होंने ऐसा बोला कि भाई जो हमने चीज़ें खरीदी हैं वो unlicensed technologies से खरीदी हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जो लाइसेंस्ड नहीं है वहां से हमने प्रोडक्ट्स को लिया है, ठीक है, जो और आईपीस जो भी अनलाइसेंस्ड है इसीलिए उनकी डिटेल नहीं है, ठीक है, बाकी हमने लिया तो है, जो कि दायरे में आती हैं, परव्यू में आती हैं लेजिटिमेट कॉमर्शियल अरेंजमेंट, जो वैध कॉमर्शियल अरेंजमेंट है उसके दायरे में आती है, ठीक है। परव्यू मतलब क्या हो गया, सीमा, लेजिटिमेट मीन्स क्या हो गया, लीगल, वैध। Continuing this trend in July, the ED carried out searches at 48 Vivo locations in the country. इसी ट्रेंड को आगे जारी रखते हुए ED ने क्या किया, 48 Vivo locations पे अपना ऑपरेशन जारी रखा, सर्च आउट ऑपरेशन जारी रखा, कुछ ऐसा कहना चाहता है। ओके सो अब आप समझ गए ना क्या था स्ट्रक्चर। कुल मिला के टॉपिक का बेसिक थीम ये था कि चाइनीज कंपनीज, क्योंकि वो टैक्स इवेशन केसेस में तो आगे बढ़ ही रही हैं, और दूसरी चीज इनका एक प्रभाव भी, एक इन्फ्लुएंस कंट्री के अंदर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो ये चीज जरूरी है कि हम कम से कम कोशिश जरूर करें, जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं हमें तो चाइनीज चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम। अपने घर में आसपास देखो जरा, एवन जिस मोबाइल पे अभी लेक्चर देख रहे हो ना, जिस ईयरफोन से लेक्चर सुन रहे हो ना, जो टीवी घर में रखा है ना, जो फ्रिज घर में यूज कर रहे हो ना पानी ठंडा करने के लिए, सब कुछ तो चाइनीज है। और हम कहते हैं नहीं चाइनीज कुछ नहीं यूज करना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं। तो अब देखना है, ऑब्जर्व करना है इन चीजों को, अगर लोगों को रोकना है तो उनको वैसे ही बेनिफिट अगर इंडियन कंपनी देगी तो ही रोका जा सकता है, वरना नहीं रोका जा सकता। चल आगे बढ़ते हैं। सो अब यहां से अगर हम देखें, द हिंदू वोकिप्स पे बात करेंगे और क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब टिक के बैटिंग करनी है, अगले 15 मिनट्स सिर्फ बात होगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे, ठीक है, सभी रेडी, शुरू करें। पहला वर्ड है हमारे सामने ओवरवीनिंग, बहुत ही कॉमन वर्ड है, स्पीड में देखो लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवरवीनिंग। क्या हो सकता है इसका मीनिंग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, रिदम बढ़िया बना, हाँ ओवरवीनिंग क्या हो सकता है इसका मीनिंग, फटाफट बताओ, जो भी लगता है बताओ।
सर इंडिया के लोग फ्रिज नहीं बना सकते क्या? अच्छा ओवरविनिंग को अगर हम डिनोट करें तो ओवरविनिंग एक एडजेक्टिव है। देखो इंडिया के लोगों में आप है, हम हैं, हम सब। अगर हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहाँ इंजीनियर्स तो असाइनमेंट खरीद खरीद के पास हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? ये है, एजुकेशन सेक्टर को सही करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे इंजीनियर जब तक 3,000 रुपये का प्रोजेक्ट खरीद के और जाते रहेंगे पेपर देने के लिए, प्रोजेक्ट खरीद के गए, प्रैक्टिकल में दिखा दिया, बस हो गया, इधर पैसा उधर पैसा, इधर हुआ उधर हुआ, ख़त्म, बीटेक ख़त्म, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो वो मनीष कश्यप जी हैं ना, वो बिहार की न्यूज़ बताते रहते हैं, तो फिर ऐसे इंजीनियर आएंगे तो कैसे होगा? जब तक एक स्किलफुल बंदा नहीं आएगा तब तक चीज़ प्रोडक्टिव कैसे मिलेगी? सोच के देखो, किसी भी सेक्टर में देख लो आप, चाहे वो टीचिंग का सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, जब तक एक इफेक्टिव बंदा नहीं होगा उस चीज़ को करने वाला, जो बंदा एक 100% नॉलेज रखने वाला नहीं होगा, तब तक चीज़ें इफेक्टिव होंगी कैसे? समझ रहे हो मेरी बात? तो आज हम जितना जॉब पर फोकस करते हैं, अगर उतना अपनी क्वालिटी पर फोकस करें, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करें, तो इस तरह की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगे। समझ रहा हो ना? तो ओवर विनिंग का मतलब होता है आत्म अभिमानी। कोई भी बंदा है जो आत्म अभिमानी है, अंदर से बहुत ही ज्यादा अभिमान रखता है, मतलब इगोइस्ट, ईगो बहुत ज्यादा है बंदे के अंदर, उसको हम ओवर विनिंग से डिनोट कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, कंसिटेड हो गया, कॉक्श्योर हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, विनम्र मतलब शालीन, विनम्र, उसको हम एंटोनिम से इसके रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन, अब एक्सपेडिट, एक्सपेडिट जो वर्ड है इसका आपको क्या बताना है? एक्सपेडिट का आपको मीनिंग बताना है क्या हो सकता है। बहुत ही प्यारा वर्ड है, एक्सपेडिशन कई बार आ चुका है, एक्सपेडिट भी आ चुका है। देखिए क्या इमेज बन रही है माइंड में एक्सपेडिट से। जठान स्टार्ट्स नाउ, ओके, सो एक्सपेडिट। अच्छा एक्सपेडिट मतलब होता है जल्दबाजी करना, जल्दी से रिलेट करता है एक्सपेडिट। एक्सपेडिट एक वर्ब है, मीन्स जल्दी करना, स्पीड अप करना। एक्सपेडिट एक वर्ब है, मीन्स जल्दी करना, तेजी करना। तो एक्सेलरेट हो गया, हरी हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करूं तो डिले हो गया, देरी को डिनोट करता है, ठीक है? नेक्स्ट वन, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए फटाफट, इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक के बैटिंग करनी है, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए काफी प्यारे से। अच्छा इंटीग्रिटी को अगर हम डिनोट करें तो इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है? अखंडता, एकता, यूनिटी से आप रिलेट कर सकते हैं इंटीग्रिटी को, ठीक है? तो इंटीग्रिटी मीन्स क्या हो गया? यूनिटी हो गया। इंटीग्रिटी मीन्स क्या हो गया? यूनिटी हो गया, याद रखिए। सो यूनिफिकेशन, होलनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। डिवीजन हो गया इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वन, डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट बहुत ही प्यारा वर्ड है, फटाफट देखिए। डेट्रीमेंट मीन्स व्हाट? डेट्रीमेंट को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? स्पीड में देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डेट्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज इट इज छपा हुआ मिलेगा एग्जाम में, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट वर्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हानि, हार्म, हार्म पहुंचाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे डेट्रीमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है हानि, या हार्म से आप सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। तो डैमेज हो गया, इंजरी हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया, इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। सभी रेडी? शुरू करें क्वेश्चंस, यस और नो? सबसे पहले मिलेंगे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन। जो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करने वाले हो ना, वो अपकमिंग एसएससी एग्जाम के लिए और बैंक एग्जाम के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी रेडी हैं? और उसके बाद कई डिफरेंट सेक्शंस पे हम लोग बात करेंगे।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, और सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो, टिक के बैटिंग करनी है याद रखना। फर्स्ट रीअरेंजमेंट आपके सामने ईच कल्चर, ईच कल्चर ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फिक्स है, ईच कल्चर ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फिक्स है, और इसके बाद आपको पी क्यू आर एस को अरेंज करना है। अगर आप ऑप्शन से करेंगे ना तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए एक बार क्या हो सकता है इसका आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट फिक्स है जो रेड मार्क्ड है, बाकी का आपको अरेंज करना है। देखिए फटाफट, ईच कल्चर वेरी गुड, टिक के बैटिंग करनी है, ठीक है। ईच कल्चर को अगर हम डिनोट करें तो आप सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब को रिलेट कर सकते हैं। ईच कल्चर देखो आर क्यू पी एस, कैसे आर क्यू पी एस कैसे, ये फर्स्ट क्यों है, फर्स्ट के बाद ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों है, ये थर्ड स्टेटमेंट क्यों है, ये फोर्थ स्टेटमेंट क्यों है, और ये फिफ्थ क्यों है, रीजन क्या है। देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, ईच कल्चर ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स ओन ट्रेडिशन एंड येट फ्लॉरिशेज व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अदर्स। हर कल्चर को स्ट्रेंथ मिलती है किससे, अपने खुद के ट्रेडिशन से, परंपरा से। हर कल्चर को अपनी ताकत मिलती है किससे, अपनी खुद की परंपरा से, और ये फ्लॉरिश होता है, समृद्ध होता है कब, जब ये दूसरों के कॉन्टेक्ट में आता है। जितने ज़्यादा लोग बढ़ते हैं जिस कल्चर में उतने ही ज़्यादा वो समृद्ध कल्चर होता है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। आपका आंसर फर्स्ट पार्ट ही जाना है, आंसर फर्स्ट पार्ट जाएगा, वेरी गुड। सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का सिक्सर लग रहा है, एवरी वन नोज दैट ये स्टेटमेंट फिक्स है, बाकी का पी क्यू आर एस आपको अरेंज करना है। ऑप्शन से करो, जल्दी कर पाओगे यहां भी और एग्जाम में भी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल बता देंगे, पूरी क्लास ही करा देंगे रीअरेंजमेंट की, चिंता मत करिए। क्लास के अंदर आपको ट्रिक्स भी बता देंगे, पैरा जंबल्स भी पढ़ा देंगे, सब कुछ करा देंगे, निश्चिंत रहिए। अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक क्लास ही ले लेंगे आपकी, चिंता मत करिए। अब तो बहुत सारी चीजें नई नई होने वाली हैं। अपकमिंग 10 डेज में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं महेंद्रास की तरफ से, ये एक हिंट है छोटा सा, ठीक है। अपकमिंग 10 डेज में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं और कुछ धमाके होने वाले हैं, तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। सो एवरी वन नोज दैट। अब देखो एवरी वन नोज दैट जैसे ही आया आगे पी आर एस क्यू मतलब सेकेंड। Everyone knows that it is difficult. देखो आगे का that लगाया तो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना आगे। It is difficult, P के बाद R आ गया, to go to the manager, S, and tell him that he ought to speak more politely. ये हर इंसान ये जानता है कि ये बहुत difficult है कि manager के पास जाना और कहना कि उसको थोड़ा और politely बात करनी चाहिए, तो ये कुछ ऐसा कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके। अब शुरुआत करते हैं कुछ idioms के क्वेश्चंस के साथ, idioms से रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर आगे के सेक्शन पे चलेंगे। सभी रेडी, शुरू करें। सो पहला क्वेश्चन है टिप्ड ऑफ, शोभराज कुड बी इजिली अरेस्टेड बिकॉज द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। रिविजन है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर, कर चुके हैं ये क्वेश्चन। टिप्ड ऑफ का मीन्स क्या होता है, टिप्ड ऑफ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। वैसे स्टेटमेंट को देख के भी समझ आ रहा है टिप्ड ऑफ का मीनिंग क्या हो सकता है। सर धमाके डर लगने लगा, आप नहीं, डर वाला धमाका नहीं है, प्यारा वाला धमाका है। हाँ
जैसे बैलून का धमाका नहीं होता है उस पे, अरे बर्थडे वगैरह पे, बिल्कुल वही वाला है, प्यारा वाला। टिप्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? गिवन एडवांस्ड इंफॉर्मेशन। टॉपेड मीन्स होता है गिरना, टॉपेड ओवर मतलब ऊपर से गिरना, ब्राइब मतलब घुस देना, थ्रेटन धमकी देना, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा सी पार्ट, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। गेव मी द कोल्ड शोल्डर, क्या हो सकता है इसका मीनिंग? स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, गेव मी द कोल्ड शोल्डर मीन्स वॉट, कैसे रिलेट कर सकते हो? स्पीड में देखो, मैं उससे कई काफी लंबे टाइम के बाद मिला लेकिन उसने मुझे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। गिव अ कोल्ड शोल्डर मीन्स वॉट? टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, दिस इज कॉल्ड टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। स्कॉल्डेड फटकारना, इंसल्टेड अपमानित करना, अब्यूज गालियां देना, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा डी पार्ट, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वी हियर्ड दैट ही हैड वंस अगेन नॉट बीन सेलेक्टेड ही लॉस्ट हार्ट। लॉस्ट हार्ट का मीनिंग क्या हो सकता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ऑप्शंस को देखिए, स्पीड में पिक कर दीजिए, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बिल्कुल प्रियांशी, रेणुका, संदीप, सुरभि, अनुराग, काजल, निष्ठा, अमृता, रजत, पूजा, अभिषेक, वेरी गुड रिंकू, जानवी, वेरी गुड। टिक के बैटिंग करनी है। लॉस हार्ट का मतलब क्या होता है? निराश होना। डेस्परेट को हम हताश से रिलेट कर सकते हैं या फिर एक टाइप से कभी कभी कोई बंदा अंदर से बहुत ज़्यादा लालायित होता है किसी चीज़ को लेकर, ना डेस्परेट होता है, चाहिए चाहिए, वो भी चीज़ है। लेकिन डिस्करेज मीन्स सीधे सीधे निराश होना ही होगा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल्दो ही हैज़ फेल्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ही इज यूजिंग बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस टू गेट द जॉब। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, क्या हो सकता है इसका मीनिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस मतलब बंदा एग्जाम में तो डिस्क्वालीफाई हो गया रिटन में, अब वो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का यूज कर रहा है जॉब पाने के लिए। विधायक हैं चाचा जी, हाँ देखो फटाफट। चल तो बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मतलब अनफेयर इन्फ्लुएंस, सीक्रेट एंड अनफेयर इन्फ्लुएंस, समझ गया ना? सीक्रेट इन्फ्लुएंस, ठीक है जॉब नहीं हुआ चलो करवा देते, पहले होता था ना ऐसा, अब तो डायरेक्ट लोग पेपर में ही सीधे। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, नहीं देखा कितने लोग पकड़े गए? एक बंदा गवर्नमेंट टीचर, अब गवर्नमेंट टीचर का सैलरी इतना भी कम नहीं होता, 70,000 के आसपास सैलरी मिलता है, उसके बाद भी वो उस रैकेट में लगा हुआ है। पीसीएस क्वालिफाई बंदा 2 or 3 times और पूरी लाइफ बर्बाद कर ली अपनी, ठीक है? तो ये क्या है? ये अनफेयर इन्फ्लुएंस। तो सीक्रेट एंड अनफेयर इन्फ्लुएंस, उसको हम बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस से रिलेट कर सकते हैं। आंसर आपका डी पार्ट ही जाएगा। नेक्स्ट फटाफट देखिए, द प्रोजेक्ट डिड नॉट होल्ड अपीयर टू होल्ड आउट ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स। होल्ड आउट मीन्स क्या हो सकता है? स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? ऑफर। होल्ड आउट मतलब किसी चीज को ऑफर करना, कुछ ऐसा। तो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऑफर कर रहा है अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को, कुछ ऐसा कहना चाहता है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट, हाईलाइट और शो, दर्शाना या दिखाना, प्रॉमिस, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट सैनोनिम, सैनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे अब हम लोग बात करेंगे। स्पीड में देखेंगे और पिक करेंगे अपना आंसर। ब्रीफ, ब्रीफ का सैनोनिम क्या होगा? बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, ब्रीफ का सैनोनिम क्या होगा? स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक करो जल्दी से। बिल्कुल अनुराग, सुरभि, दलीप जी, बिल्कुल क्राई ब्लॉक्स, स्पाई ब्लॉक्स। अच्छा वैसे आपने सी पी वाई लिखा है, सी पी वाई मतलब पूरा शॉर्ट नेम है क्या?
अनुराग, अर्जुन, वेरी गुड रोहित, सभी का सिक्सर लो। देखो ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त, ब्रीफ मीन्स क्या होता है संक्षिप्त। तो अब ब्रीफ को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, शॉर्ट से डिनोट कर सकते हैं, ब्रीफ में बताना है स्टोरी को, मतलब शॉर्ट में बताना, ठीक है। तो लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल, ये सब गलत हो जाएंगे, आंसर जाएगा डी पार्ट, क्या बात है। सभी का सिक्सर लग रहा है बिल्कुल। प्रियल, पूजा, पुष्परंजन, रवि, बिल्कुल अनुराग, स्नेहा, वेरी गुड, बिल्कुल। अब है एम्बेजल, एम्बेजल मीन्स क्या होता है, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। एम्बेजल मीन्स व्हाट, एम्बेजल मीन्स व्हाट, कैसे रिलेट कर सकते हैं एम्बेजल को। अच्छे से देखेंगे स्ट्रक्चर को। देखो एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, जैसे कहते हैं ना गबन कर लिया उसने इतना पैसा, तो ये क्या है, अप्रोप्रिएट है क्या, नहीं, ये अपने आप में इनअप्रोप्रिएट है। बैलेंस अमाउंट को डिनोट करेगा, क्लियर। रिन्यूमरेट मीन्स क्या होता है, पुरस्कार देना या किसी को एक टाइप से हम कह सकते हैं कि उसका परिश्रमिक देना, मेहनताना देना, कुछ ऐसे रिन्यूमरेट को रिलेट कर सकते हैं, आंसर ये पार्ट जाएगा। वेंट, वेंट का मीनिंग क्या होगा, फटाफट देखिए, वेंट मीन्स वॉट, कैसे आप डिनोट कर सकते हैं वेंट को। स्पीड में देखिए, ठीक है। तो वेंट मीन्स होता है निकासी, वेंट को आप निकासी से डिनोट कर सकते हैं, या किसी चीज की जो उद्घाटन या ओपनिंग है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपका सीधा सीधा ओपनिंग आंसर चला जाएगा, नॉर्मल है ना बिल्कुल। सो वेरी गुड, लर्निंग वोकैब विद इमेजेस, कुछ इमेज बेस्ड वोकैब्स को स्पीड में देख लेते हैं। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मीन्स होता है डांटना या फटकारना। रेप्रीमेंड की मीन्स क्या होता है, डांटना या फटकारना। देखो सनी देवल जी दिख रहे हैं ना, ये सामने वाले को फटकार रहे हैं, ये ऐसी फटकार लगाते हैं ना कि मतलब सामने वाले को क्या हालत होगी, समझ सकते हो, इतने समझदार तो बचपन से ही हो। तो रेप्रीमेंड मीन्स होता है डांटना या फटकारना। टू स्कॉल्ड समवन, टू स्कॉल्ड समवन इज कॉल्ड रेप्रीमेंड, ठीक है, दिमाग में रहेगा। आगे अगर हम बढ़े, पैलेट, पैलेट मीन्स होता है किसी के दर्द को कम करना। पैलेट मीन्स क्या होता है, किसी के दर्द को कम करना, सूध करना, समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे किसी को प्रॉब्लम थी, आपका दोस्त परेशान था, आपने उसको शांत किया, पैलेट किया, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब सामने वाले का आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना। ये देखो धन्यवाद दे रही है ना रानी मुखर्जी जी, धन्यवाद दे रही हैं अच्छे से लोगों का, तो मतलब ग्रेटिट्यूड देना, मतलब धन्यवाद प्रकट करना सामने वाले को अपना, समझ गया ना ग्रेटिट्यूड कैसे रिलेट करेगा, समझ गए होगे, ठीक है। और इमेज को देख के कुछ ज़्यादा ही समझ गए होगे, हाँ। चल तो होमवर्क की बात कर लेते हैं, कल के होमवर्क का आंसर करीब 50 एस्पिरेंट्स का आंसर आया हुआ है, 50+, वेरी गुड। प्रोलोंग का जो एंटोनेम होगा वो होगा शॉर्टन। प्रोलोंग मतलब किसी चीज़ को विस्तारित करना, शॉर्ट मतलब कम करना। आगे अगर हम देखें, आज का है वर्ड डाई इन हार्नेस, देखो ध्यान से समझना, डाई इन हार्नेस इस idiom का आपको मीनिंग बताना, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को आंसर करना है अपना अपना, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट, मजा आया सेशन में, यस नो? सो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 8 AM पे, 8 बजे यहीं इसी मैंत्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, नए न्यूज आर्टिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द हिंदू वोकैब्स, इमेज बेस्ड वोकैब्स, इन सारे के सारे सेक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।